हेलो बच्चों, वेलकम टू डाउटनट। स्वागत है आप सबका डाउटनट की लाइव सोशल साइंस की क्लासेस में। मैं हूं अनुष्या, आपकी सोशल साइंस टीचर। एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स? तो आपको पता ही है, हम लोग आप बच्चों की टर्म टू की तैयारी करा रहे हैं। बोर्ड एग्जाम से हल्का सा डर रहे हो मे बी आप लोग, पर डरो मत, हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से हिस्ट्री की तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही ईजी तरीके से हम इस चैप्टर को कवर करते आए हैं। आगे भी आज के क्लास में भी इसी चैप्टर को हम लोग इन डिटेल कवर करने वाले हैं। तो चैप्टर आप बच्चों का चल रहा है नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, काफी सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर कर चुके हैं इसमें। आज के क्लास में हम और आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे हमने राउलट एक्ट समझ लिया है, जलियांवाला बाग इंसिडेंट हमने कवर कर लिया, सत्याग्रह के बारे में बात करी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो ये सारी चीजें हम लोग कवर कर चुके हैं। पर अभी हमारी ये कहानी खत्म नहीं हुई है ना, आजादी अभी तक हमने दिलाई नहीं है इंडिया को इस चैप्टर में। सो हम और आगे इस क्लास में कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो सारे बच्चे जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो। जिनने ज्वाइन कर लिया है जल्दी जल्दी लाइक करो, अपने सारे क्लासमेट्स को बताओ कि यहाँ क्लास 10th टर्म 2 की तैयारी चल रही है। ओके, चलो। सो आज के क्लास में हम लोग किस टॉपिक को कवर करने वाले हैं? हम समझेंगे द सॉल्ट मार्च। ठीक है, थोड़ा बहुत आप बच्चों को पता होगा, थोड़ा बहुत मैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी बताऊंगी कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ लिमिट्स ऑफ सिविल डिसओबीडियंस। ठीक है, सिविल डिसओबीडियंस टॉपिक हमने स्टार्ट कर लिया था, पर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में ना थोड़ी सी हमारी तरफ से कुछ कमियां रह जाती हैं, उन लिमिट्स के बारे में हम आज के क्लास में पढ़ेंगे। ओके, चलो। सो आगे बढ़ने से पहले, वैसे तो सारे क्लास 10th के बच्चे मुझे जानते ही हैं, अगर आप नहीं जानते कोई बात नहीं, मेरा नाम है अनुष्या और सोशल साइंस की तैयारी आप लोग मेरे साथ करोगे तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, इन सारे सब्जेक्ट्स की टेंशन बिल्कुल भूल जाओ, क्योंकि हम बहुत ही फन तरीके से इन्हीं क्लासेस में आपके सोशल साइंस के सिलेबस को निपटा देंगे। ओके, चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और शुरुआत करेंगे सॉल्ट मार्च से। ठीक है, तो देखो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हमने पढ़ा कि गांधी जी ने क्या कहा था कि हम ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, ब्रिटिशर्स की बात नहीं मानेंगे, अगर हम ऐसा करेंगे तो ब्रिटिशर्स धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगेंगे। तो ये गांधी जी का प्लान था। पर क्या होता है, गांधी जी को धीरे धीरे रियलाइज होता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में वो यूनिटी नहीं है जो कि वो चाहते हैं। ठीक है, अगर पूरा इंडिया मिलके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अच्छे से फॉलो कर पाए तो शायद ब्रिटिशर्स ज्यादा जल्दी इंडिया को छोड़ के चले जाएं। तो इसीलिए बाद में फिर नॉन कोऑपरेशन तो खत्म हो जाता है, उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट होता है। पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी गांधी जी को ऐसा लगता रहता है कि वो बात नहीं है, अब भी इंडिया में वो यूनिटी नहीं है जो कि हमें चाहिए ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए। ठीक है, तो गांधी जी बहुत सोचते हैं कि ऐसा क्या किया जाए इंडिया में कि वो यूनिटी, वो एकता वाली स्पिरिट डेवलप की जाए। तो ऐसे में गांधी जी के दिमाग में एक आइडिया आता है कि हम लोग नमक का यूज करते हैं। ठीक है, नमक मतलब सॉल्ट का यूज करते हैं। अब आप लोग सोचोगे कि नमक और एकता, यूनिटी, इसका तो कोई संबंध ही नहीं है, तो ये मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, सॉल्ट और यूनिटी का क्या रिलेशन है? तो अगर हम सॉल्ट की बात करें बेटा, नमक एक ऐसी चीज है जो इंडिया में सारे लोग यूज करते हैं, है ना। अगर मैं आप बच्चों की भी बात करूं, हम सबके घर में नमक है, किचन में जाओगे नमक दिख जाएगा, है ना। तो सॉल्ट एक ऐसी चीज है जो इंडिया में सारे लोग यूज करते हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हों, कास्ट के हों, किसी भी स्टेट से हों, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, नमक सबके घर में यूज होता है। और ऐसे में पता है क्या बात चल रही थी, ब्रिटिशर्स कहते हैं कि हम लोग नमक के ऊपर, सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगाने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज हम इंडियंस को अच्छी नहीं लगती कि नमक तो हम सब लोग यूज करते हैं अपने घर में और ये लोग नमक जैसी चीज के ऊपर भी टैक्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो गांधी जी सोचते हैं कि क्यों ना हम इस इशू को उठाएं। ठीक है, इस इशू को उठाएंगे तो इंडिया के सारे लोग रिलेट कर पाएंगे, सारे लोग यूनाइट होके इस इशू को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो गांधी जी सॉल्ट का इशू उठाते हैं कि ऐसे कैसे आप लोग सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगाने की बात कर रहे हो। ठीक है, तो अब ये बात है बेटा 31 जनवरी 1930 की। गांधी जी क्या करते हैं उस टाइम पे, वाइसरॉय होते हैं, वाइसरॉय अरविन। ठीक है, तो गांधी जी इनको एक खत लिखते हैं, एक लेटर लिखते हैं, और इन लेटर में गांधी जी 11 डिमांड्स को लिखते हैं। ठीक है, कि ये मेरी डिमांड्स हैं इंडिया के लिए, आप प्लीज इन डिमांड्स को फुलफिल करो।
ठीक है, ऐसे किया कि एक लेटर लिखते हैं वाइसरॉय अरविन को, ठीक है। और गांधी जी इन 11 डिमांड्स में ना ये ध्यान रखते हैं कि इंडिया के हर एक कम्युनिटी को लगे कि गांधी जी ने हमारे लिए भी कोई डिमांड रखी है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप की डिमांड्स, ऐसी डिमांड्स जिससे इंडिया में अलग अलग लोग रिलेट कर पाए, उस टाइप की डिमांड, उस टाइप की मांग लिखकर गांधी जी वाइसरॉय अरविंद को एक लेटर सेंड कर देते हैं, ठीक है। और इसी लेटर में ना गांधी जी ये भी कहते हैं कि मैं आपको कुछ दिन का टाइम दे रहा हूँ, अगर आप इन दिनों के अंदर मेरी इन 11 डिमांड्स को फुलफिल नहीं करते तो हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को एकदम मस्त तरीके से इंडिया में फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो गांधी जी एक अल्टीमेटम, मतलब ऐसे एक वार्निंग की तरह लॉर्ड अरविंद को, वाइसरॉय अरविंद को बताते हैं कि हमारी ये 11 डिमांड है, अगर आप फुलफिल कर सकते हो बहुत बढ़िया, नहीं कर सकते तो हम लोग कोई ना कोई एक्शन लेंगे, ठीक है। और ब्रिटिशर्स इतने अच्छे लोग तो थे नहीं, ठीक है, वो लोग हमारी बात नहीं मानते। कुछ दिन के बाद गांधी जी सोचते हैं बहुत हो गया, हम लोग एक्शन लेते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि गांधी जी क्या प्लान बनाते हैं कि हम लोग सॉल्ट मार्च स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्ट मार्च क्या था बेटा, गांधी जी अपने आश्रम से, साबरमती आश्रम से दांडी तक चल के जाते हैं। दांडी क्या है, गुजरात का ही एक कोस्टल टाउन है। कोस्टल टाउन मतलब पास में सी है, ठीक है। और सी को यूज करके गांधी जी का प्लान था, सी को यूज करके हम लोग नमक बनाएंगे, ठीक है। तो गांधी जी क्या करते हैं, अपने आश्रम से दांडी तक चल के जाते हैं और 240 माइल्स का डिस्टेंस होता है आश्रम से लेके दांडी तक। और जब गांधी जी अपना ये सफर स्टार्ट करते हैं तो गांधी जी के साथ कुछ उनके 780 फॉलोअर्स भी गांधी जी को सपोर्ट करके उनके साथ साथ चलते हैं, ठीक है। अब 240 माइल्स बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि गांधी जी एक ही बार में चल के पहुंच गए, बीच बीच में गांधी जी एंड उनके सारे फॉलोअर्स रस्ते में रुकते थे और रेस्ट करते थे। जब भी गांधी जी रेस्ट करते थे पता है क्या होता था, जहां पर भी वो बैठते थे वहां पे हजारों में लोग आके गांधी जी के आसपास बैठ जाते थे और गांधी जी उनको नई नई चीजें सिखाते थे, उनको नॉन वायलेंस के बारे में बताते थे, उनको सत्याग्रह के बारे में समझाते थे, ब्रिटिशर्स क्या क्या गलत कर रहे हैं ये सारी चीजें गांधी जी बताते थे और आसपास लोग बैठ के सुनते थे, ठीक है। तो उसके बाद गांधी जी अपने आश्रम से दांडी तक पहुंचते हैं। दांडी में क्या करते हैं, सी वाटर को कलेक्ट करते हैं ये लोग और थोड़ा सा साइंस लगाएंगे, ठीक है। वाटर साइकिल तो सबको पता ही है। क्या होता है, सी वाटर को कलेक्ट करते हैं और सी वाटर को अगर हम गर्म कर दें तो क्या होगा, पानी इवेपोरेट हो जाएगा, पानी वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और नीचे सॉल्ट रह जाएगा, नमक रह जाएगा। तो गांधी जी और उनके फॉलोअर्स क्या करते हैं, दांडी में जाके खुद नमक बना लेते हैं, ठीक है। तो गांधी जी ये दिखाना चाह रहे थे ब्रिटिशर्स को कि आपको सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगाना है तो लगाओ, हम लोग नमक खुद बना लेंगे, ठीक है। और ये जो मूवमेंट है ना ये बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है, जैसे लोगों को पता लगता है कि गांधी जी ने सॉल्ट टैक्स को ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया, खुद सॉल्ट बनाना स्टार्ट कर दिया है, इंडिया में अलग अलग एरियाज में लोग खुद सी के पास जाके सॉल्ट बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसी चीज को हम सॉल्ट मार्च कहते हैं कि जब गांधी जी अपने आश्रम से दांडी तक गए थे सॉल्ट बनाने के लिए, सॉल्ट टैक्स को ब्रेक करने के लिए, जब गए थे गांधी जी तब उनके साथ कुछ 780 लोग थे, पर जब गांधी जी वापस आ रहे थे ना तब उनके साथ थाउजेंड्स में फॉलोअर्स थे, ठीक है। सो ये एक रीच थी गांधी जी की और ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है, कि गांधी जी जब बोलते थे तो पूरे इंडिया के लोग सुनते थे, उनको फॉलो करते थे, ठीक है। सो गांधी जी ने ये करा था, इसी इवेंट को हम लोग सॉल्ट मार्च कहते हैं। सॉल्ट मार्च के बाद पता है क्या होने लगा, लोग पता है जानबूझ के, जैसे मान लो कोई एक इंडस्ट्री है, कोई कंपनी है, वो सॉल्ट को मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है, तो लोग जानबूझ के उन कंपनीज के सामने जाके नमक बना के दिखाते थे कि आपको अपने कंपनी के अंदर नमक बनाना है तो बना लो, हमको तो खुद बनाना आता है, हम खुद बना के नमक को यूज कर लेंगे, हमें आपके टैक्स वाले नमक की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना पॉपुलर हो जाता है हमारा ये सॉल्ट मूवमेंट। और ये उसी टाइम की फोटो है बेटा, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है गांधी जी हैं और ये सारे गांधी जी के 78 फॉलोअर्स हैं जिन्होंने उनके साथ दांडी मार्च या फिर सॉल्ट मार्च को स्टार्ट करा था, ठीक है। चलो, तो आई होप आप बच्चों को यहाँ तक समझ आ गया है, सॉल्ट मार्च वाला इंसिडेंट समझ आ गया है, ठीक है। तो अब मैं आपका एक बहुत ही मेजर क्वेश्चन एड्रेस कर देती हूँ। मैंने देखा कि पिछले कुछ क्लासेस में आप लोगों ने मेरे से पूछ रखा है कि मैम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में फर्क क्या है,
ठीक है, मैं समझ रही हूँ आप सबको हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि गांधी जी के सारे मूवमेंट्स सेम ही हैं, गांधी जी बस कह रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा मत करो, है ना। पर नहीं बेटा, नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में एक मेजर फर्क है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में गांधी जी ओपनली इंडिया के लोगों से कहते हैं कि अब आप लोग ब्रिटिशर्स के कानूनों को, ठीक है, ऐसे कानून जो आपको लग रहा है कि सही नहीं है, उनको तोड़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, जैसे हमें लगा सॉल्ट टैक्स सही नहीं है तो हमने नमक खुद बनाना स्टार्ट कर दिया। तो सिविल डिसोबीडियंस में कहा जाता है कि हम लोग ब्रिटिशर्स के कॉलोनियल लॉस को, उनके कानूनों को ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, एक और डिफरेंस, अगर आपको एक और डिफरेंस जानना है तो आप ये भी लिख सकते हो कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसका जो रीच था वो छोटा था। ठीक है, पूरे इंडिया तक अच्छे से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट नहीं फैल पाया। बट ऑन दी अदर हैंड, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है, ये मूवमेंट कंपैरेटिवली ज्यादा लोगों तक पहुंचा, ज्यादा लोगों ने पार्ट लिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। अब अगेन, अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीका था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्ट लेने का। ठीक है, गांधी जी ने बता तो दिया कि हम लोग सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट कर रहे हैं, पर अलग अलग कम्युनिटीज का, अलग अलग ग्रुप्स का अलग अलग तरीका था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्ट लेने का। ठीक है, तो अब हम ये समझते हैं कि उन्होंने क्या करना स्टार्ट करा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में और क्या क्या हम लोग करते थे। ठीक है, पॉइंट वन, हम लोगों ने अगेन फॉरेन क्लॉथ को बॉयकॉट करना स्टार्ट करा, जो कि हमने नॉन कोऑपरेशन में भी करा था बीच में। जो फॉरेनर्स के कपड़े थे, जो ब्रिटिशर्स के कपड़े थे, उनको हम खरीदते ही नहीं थे, उनको बॉयकॉट करना स्टार्ट करा, हमने मना करना स्टार्ट कर दिया कि ये हमको चाहिए ही नहीं। नेक्स्ट, लिकर शॉप्स वर पिकेटेड। पिकेटेड का मतलब याद है, पिकेटेड मतलब किसी भी शॉप के एंट्रेंस को ब्लॉक कर देना, रोक देना। तो जो लिकर शॉप्स थी, जो अल्कोहल शॉप्स थी, उनके एंट्रेंस को हम ब्लॉक कर देते थे कि इस शॉप के अंदर हम किसी को जाने ही नहीं दे रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता था, जो हमारे फार्मर्स थे बेटा, हमारे फार्मर्स ने कहना स्टार्ट कर दिया कि हम लोग कोई भी टैक्स पे नहीं करेंगे। ठीक है, सो इन्होंने कहना स्टार्ट करा कि हम लोग फालतू में, अगर बहुत ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है तो हम लोग वो टैक्स पे नहीं करेंगे। नेक्स्ट, मैंने आपको बताया कि विलेज के जो लोग थे, जो ट्राइबल्स थे, वो लोग इस चीज से परेशान थे कि अब ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट के ऊपर कब्जा कर लिया है। इससे पहले क्या होता था, वो फॉरेस्ट ट्राइबल्स की या फिर विलेजर्स की हुआ करती थी, पर अब ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट के ऊपर कब्जा करके ये कहना स्टार्ट कर दिया हमारे ट्राइबल से, आदिवासियों से, कि अगर आपको फॉरेस्ट के अंदर जाना है तो आपको हमारी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये चीज ऑब्वियसली हमारे ट्राइबल्स को अच्छी नहीं लगती। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हमारे ट्राइबल्स क्या करते थे, जानबूझ के बिना पूछे फॉरेस्ट में चले जाते थे, फॉरेस्ट के सामान को, जैसे वुड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सबको कलेक्ट करते थे, अपने कैटल्स को, शीप, काउज, इन सबको जानबूझ के फॉरेस्ट के अंदर भेज देते थे ग्रेजिंग के लिए। तो इन सारे तरीकों से हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को फॉलो करा। ठीक है, तो अब क्या होता है, ब्रिटिशर्स को डर लगने लग जाता है कि हमने तो गांधी जी के खत को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी, गांधी जी ने तो सही में कुछ बहुत बड़ा स्टार्ट कर दिया है, इंडिया में सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट हो गया। तो अब ब्रिटिशर्स सोचते हैं कि हम लोग अब क्या करें। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स सोचते हैं कि कोई बात नहीं, हम लोग कुछ लीडर्स को अरेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं तो इंडियंस चुप हो जाएंगे। तो ये लोग सही में अरेस्ट करना स्टार्ट करते हैं बेटा, तो अब्दुल जफर खान, ठीक है, सो ये गांधी जी के एक डिसाइपल थे, एक स्टूडेंट थे, एक फॉलोअर थे, इनको अरेस्ट कर दिया जाता है अप्रैल 1930 को। ठीक है, तो जब ये होता है, हमारे इंडिया के लोगों को बहुत बुरा लगता है कि ऐसे कैसे अब्दुल जफर खान को अरेस्ट कर लिया गया। तो ब्रिटिशर्स हम लोगों को चुप कराने के लिए हमारे लीडर्स को अरेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, और जैसे ही इनको अरेस्ट करते हैं ना ब्रिटिशर्स, इंडियंस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, और यहां से हमारा मूवमेंट थोड़ा बहुत वायलेंट हो जाता है। ठीक है, हम लोग वायलेंस पे उतर आते हैं कि हमारे लीडर्स को कैसे आप लोग अरेस्ट कर रहे हो। एंड उसके आने वाले जो कुछ मंथ्स थे उसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों की डेथ हुई। कुछ टाइम के बाद क्या होता है, गांधी जी को ही अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो अब जब और वायलेंस होने लगा तो ब्रिटिशर्स ने क्या दिमाग लगाया, सब कुछ गांधी जी ही तो कर रहे हैं, गांधी जी को अरेस्ट कर लेते हैं, लोग खुद चुप हो जाएंगे। तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, गांधी जी को अरेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, लोग और गुस्सा हो जाते हैं और वायलेंट तरीके से ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ना स्टार्ट करते हैं, ब्रिटिशर्स भी हमारे ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं। एंड इस दौरान
जो पीसफुल सत्याग्रही थे, जो लोग शांति से लड़ाई कर रहे थे, उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है, उनके साथ मारपीट करी जाती है। हमारी जो विमेन थी, जो छोटे छोटे बच्चे थे, उनको पीटा जाता है, मारा जाता है। एंड अबाउट 1 लाख पीपल, 1 लाख के अराउंड लोगों को ब्रिटिशर्स अरेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये उस टाइम की फोटो है, तो आपको उतना क्लियरली समझ नहीं आ रहा होगा, पर मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या हो रहा है। 1930 की फोटो है ये, और आपको स्ट्रीट्स में दिख रहा है कि बहुत सारे सत्याग्रही हैं। सत्याग्रही मतलब ये लोग शांति से कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसी को परेशान नहीं कर रहे, और ब्रिटिशर्स यहाँ पे पहुंच गए और सबको मारना पीटना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो ये उस टाइम की फोटो है। ये ऐसे सीन्स हमारे स्ट्रीट में कॉमन होने लग गए थे। ठीक है, अब देखो, हमारे गांधी जी को सबसे ज्यादा नफरत किस चीज से थी? वायलेंस से, और वही अब होने लग गया था। तो अब आप लोगों ने गेस कर लिया होगा कि आगे क्या होने वाला है। गांधी जी ने क्या कहा कि अगर ऐसे ही मारपीट होने वाली है तो ऐसे में मैं क्या कर रहा हूँ, मूवमेंट को बंद कर रहा हूँ। और यह पहली बार नहीं हुआ है ना, हमने देखा कि जब राउलेट एक्ट में वायलेंस हुआ, गांधी जी ने मूवमेंट बंद करा। फिर हमने देखा कि जब नॉन कोऑपरेशन में वायलेंस हुआ, तब गांधी जी ने मूवमेंट बंद करा। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हम देख रहे हैं कि वायलेंस हुआ है, बहुत ज्यादा मारपीट हो रही है, गांधी जी को वायलेंस बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो गांधी जी ने क्या करा, मूवमेंट को बंद कर दिया। ठीक है, और अब यहां से ना ये हमें चीज शायद नहीं करनी चाहिए थी। क्यों नहीं करनी चाहिए थी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको पता चलेगा। अभी के लिए आप ये समझो, गांधी जी ने मूवमेंट को बंद करा, और गांधी जी जाते हैं वायसराय अरविंद से बात करने के लिए, और उनसे कहते हैं कि हम लोग आपस में एक एग्रीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग भी हमसे परेशान हो क्योंकि हम बहुत सारे स्ट्राइक कर रहे हैं, हम भी आपसे परेशान हैं, तो मारपीट नहीं करते, ठीक है, वायलेंस को बंद करते हैं, और हम लोग आपस में ही कोई एग्रीमेंट कर लेते हैं। तो ये बात है 5 मार्च 1931 की, गांधी जी और वायसराय अरविंद ये आपस में एक पैक्ट, एक एग्रीमेंट बनाते हैं। ठीक है, और इसको कहा क्या जाता है, गांधी अरविंद पैक्ट, गांधी अरविंद पैक्ट कहा जाता है। तो इस पैक्ट में, इस एग्रीमेंट में हमारे गांधी जी एग्री करते हैं कि वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, जो कि लंदन में हो रहा था। ठीक है, अब ध्यान रखना, ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है। इससे पहले भी कांग्रेस के कुछ लोगों को बुलाया गया था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, पर हमें उस टाइम पे बहुत, हम लोग परेशान थे ब्रिटिशर्स से, हमने कहा कि नहीं, हमें आपके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाना ही नहीं है, आप लोग रखवा लो कॉन्फ्रेंस, हम जाएंगे ही नहीं वहां पे। पर इस बार गांधी जी ने एग्रीमेंट साइन करा है, ठीक है, पैक्ट बनाया है वायसराय अरविंद के साथ, तो इस बार हमारे गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, लंदन में जा रहे हैं। ठीक है, पर वहां जाने का कुछ खास फायदा होता नहीं है, दिसंबर 1931 की बात है, तो कॉन्फ्रेंस में, कॉन्फ्रेंस मतलब मीटिंग, ठीक है, सो कॉन्फ्रेंस होती है, इन लोगों की मीटिंग होती है, पर मीटिंग में कुछ खास रिजल्ट आता नहीं है, गांधी जी को एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। ठीक है, तो गांधी जी वहां से परेशान होकर आ रहे होते हैं कि ये कैसी मीटिंग थी, इतना तो कुछ हुआ भी नहीं। और इंडिया आके जब देखते हैं गांधी जी, तो इंडिया में और भी बुरा कुछ चल रहा होता है। ठीक है, जब गांधी जी इंडिया से गए थे, तब भी इंडिया में हालात कुछ बहुत बढ़िया नहीं थे, जब वापस आए तो इंडिया के सिचुएशंस और बेकार हो जाते हैं। तो क्या चल रहा था इंडिया में ऐसा, तो अब्दुल जफर खान और जवाहरलाल नेहरू जी, इन दोनों को ही ब्रिटिशर्स ने जेल में डाल दिया था। ठीक है, मतलब जो हमारे दो इंपॉर्टेंट मेन लीडर्स हैं, उनको जेल में डाल दिया गया था। साथ ही साथ जो कांग्रेस है, कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी जो है, उसको ब्रिटिशर्स ने कहा कि कांग्रेस को हम इलीगल डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कांग्रेस इलीगल है, हम कोई लीगल सपोर्ट नहीं दे रहे कांग्रेस को। ठीक है, इसके अलावा ब्रिटिशर्स ने बहुत स्ट्रिक्ट कानून बना दिए थे, बॉयकॉट्स, डेमोन्स्ट्रेशन, स्ट्राइक, रैलीज, इन सबको बंद कराने के लिए। तो अब गांधी जी को बहुत बुरा लगता है कि मैं तो कॉन्फ्रेंस के लिए गया था, कॉन्फ्रेंस से हम लोग आके देख रहे हैं कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में और भी बुरी हालत करके रख दी है। तो अब गांधी जी ऐसे में क्या सोचते हैं, अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा है। हालांकि वायलेंस होने के वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद किया गया था, पर अब गांधी जी सोचते हैं कि कोई बात नहीं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो अब यहां पे जब दूसरी बार सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट करा जाता है, अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में वो बात नहीं रहती। ठीक है, जैसे जब हम कोई चीज फ्लो फ्लो में कर रहे होते हैं ना, तो वो चीज बढ़िया तरीके से हो जाती है।
ठीक है, अब अगर मान लो मैं क्लास अचानक से यहीं रोक दूं, ठीक है, अचानक से मैं क्लास यहीं पे रोक दूं और फिर वन वीक के बाद या फिर एक महीने के बाद मैं यहीं से कंटिन्यू करने लग जाऊं, तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा ना। अगर एक टॉपिक चल रहा है तो पूरा टॉपिक साथ में खत्म होना चाहिए, तभी आप लोग भी अच्छे से पढ़ पाओगे, तभी मैं भी आपको अच्छे से पढ़ा पाऊंगी। अचानक से अगर मैं एक चीज को बीच में रोक दूं और दो तीन महीने के बाद उसे फिर से स्टार्ट करूं तो वो फ्लो छूट जाता है। यही चीज हमारे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के साथ हुई। बढ़िया चल रहा था हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जब बीच में वायलेंस हुआ तो हमने उसे अचानक से बंद कर दिया। शायद हमें वायलेंस को कम करने का कोई तरीका ढूंढना चाहिए था, पर हमने पूरे मूवमेंट को ही बंद कर दिया। उसके बाद हम लोग मूवमेंट को फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब जब सेकेंड टाइम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ 1934 में, अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में वो वाली बात नहीं रही, ठीक है। अब इस मूवमेंट का जो सपोर्ट था वो थोड़ा कम पड़ने लग गया, ठीक है। चलो, तो हमने गांधी जी के बारे में तो बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है, अब मुझे आप लोग जरा ये बताना, ये कौन है, ठीक है। आप सारे बच्चों को पता ही होगा तो कमेंट सेक्शन में बता दो। प्रीवियस क्लास में भी मैंने देखा बहुत सारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में, जो भी मैंने क्लास के बीच बीच में आपको क्वेश्चंस पूछे आपने आंसर कर रखे थे, तो कमेंट सेक्शन में ऐसे लिखो आंसर वन और मुझे बता दो ये कौन है। जिनको नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं आपको बता दूंगी क्लास में, ठीक है। तो गांधी जी के बारे में तो बेटा हमने बहुत पढ़ा कि वो एक ऐसे लीडर थे जो कहते हैं कि वायलेंस की जरूरत नहीं है, मारपीट मत करो, शांति से ब्रिटिशर्स को समझाओ। पर हमारे इंडिया में सारे लोग ये बात नहीं मानते थे। कुछ लोग ऐसे थे जिनका मानना था कि अगर ब्रिटिशर्स को भगाना है इंडिया से तो हमें वायलेंस करना ही होगा, हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि ब्रिटिशर्स हमारे खिलाफ जब वायलेंस कर रहे हैं तो हमको भी वायलेंस के साथ ही जवाब देना होगा, ऐसा कुछ लोग मानते थे, ठीक है। और इन लोगों ने पता है क्या करा, जिनका मानना था कि नॉन वायलेंस से काम नहीं चलेगा, 1928 के अराउंड ये लोग एक ग्रुप बनाते हैं जिसको हम कहते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी, ठीक है। तो दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में एक मीटिंग चल रही होती है, उस मीटिंग में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी को बनाया जाता है HSRA। तो अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि बताओ HSRA की फुल फॉर्म क्या है, ये पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो लीडर्स कौन कौन थे, एक तो थे भगत सिंह, अब पता चल गया कौन है ये, ठीक है। सो भगत सिंह थे, साथ ही साथ जतिन दास, अजय घोष, ये सब लोग HSRA के मेन लीडर्स थे। और ये लोग क्या करते हैं, ठीक है, जो HSRA के लोग होते हैं, ये लोग ब्रिटिशर्स के सिंबल्स को टारगेट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। मतलब जो भी इनके ब्रिटिशर्स की जो भी ऑफिसेस थे, फैक्ट्रीज थे, जो भी सिंबल्स थे, पुलिस स्टेशंस जो थे, इनको टारगेट करना, ठीक है, वो करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी में एक बहुत फेमस इंसिडेंट है जो कि इन लोगों ने करा था, ये बात है 1929 की, ठीक है। क्या होता है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्ता ये लोग लेजिस्लेटिव असेंबली के बीच में जाके एक बॉम्ब फेंकाते हैं, ठीक है, एक बॉम्ब को वहां पे फेंकाते हैं। बाद में जब हम इनसे पूछते हैं, भगत सिंह से, कि आपने ऐसा क्यों करा, आपने बीच असेंबली में एक बॉम्ब क्यों फेंक दिया, तो वो कहते हैं कि आई वॉन्टेड टू मेक द डेफ हियर, ठीक है, मतलब जिन लोगों को कुछ सुनाई नहीं देता ना, मैं चाहता था कि उनको भी कुछ सुनाई दे जाए, क्योंकि ब्रिटिशर्स, इसका मतलब ये है कि ब्रिटिशर्स को हमारी आवाज सुनाई नहीं दे रही, तो मैं चाहता था कि अगर मैं बीच में बॉम्ब फोड़ दूंगा तो शायद उनको हमारी आवाज सुनाई दे जाए, ठीक है। तो ये उनका जवाब था, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, ये एक अटेम्प्ट करते हैं कि लॉर्ड अरविन जिस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं उस ट्रेन को ही वो बॉम्ब से मतलब फोड़ दें, ठीक है, पर ये अटेम्प्ट होता है, ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहता। और 23 के अराउंड ब्रिटिशर्स को पता चल जाता है कि भगत सिंह बहुत ही, मतलब इनको अगर हमने जिंदा छोड़ दिया तो ये आगे जाके हमारे लिए प्रॉब्लम बनेंगे, क्योंकि सही में बहुत ही सीरियस तरीके से वो ब्रिटिशर्स के साथ डील कर रहे थे, और ब्रिटिशर्स समझ जाते हैं कि ये हमारे लिए थ्रेट है, इनको सबसे पहले हमें हैंडल करना पड़ेगा। सो 23 के एज के अराउंड इनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, इनको मार दिया जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग हिज ट्रायल, जब ट्रायल चल रहा था, जब कोर्ट में इनका ट्रायल चल रहा था, तब भगत सिंह ने ये कहा कि मेरा ये सब करने का ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि मैं लोगों से कहूं कि लड़ाई झगड़ा करो या फिर वायलेंस करना स्टार्ट कर दो, बंदूकें उठा लो, ठीक है, पर मैं बस ये सब इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं इंडिया में बदलाव लाना चाहता हूं, ठीक है। तो ये उनका जवाब था। चलो, तो भगत सिंह के बारे में भी हमने काफी कुछ समझ लिया। अब हम लोग ये समझते हैं कि कैसे इंडिया के अलग अलग लोग
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्ट ले रहे थे। ठीक है, कैसे? अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीकों से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्ट लिया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं रिच पेजेंट्स की। ठीक है, सो रिच पेजेंट्स मतलब जो रिच फार्मर्स थे। ठीक है, जैसे कि गुजरात में पटीदार्स, तो अलग अलग कम्युनिटीज के लोग जो रिच फार्मर्स थे उनकी बात करते हैं। तो जो रिच फार्मर्स थे ना बेटा, उनके पास बहुत बड़ी बड़ी जमीन थी जिसमें ये लोग प्लांटेशन किया करते थे। प्लांटेशन मतलब किसी एक क्रॉप को पूरे खेत में ग्रो करना। ठीक है, पर फिर क्या हुआ, हमने पढ़ा ग्रेट डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है, वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है, इकोनॉमी हर जगह डाउन हो जाती है। तो इस दौरान इन रिच फार्मर्स को बहुत ज्यादा नुकसान होता है और इस नुकसान की वजह से ये लोग गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं कर पा रहे थे। तो ये लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कोशिश करते हैं कि ये ब्रिटिशर्स को समझाएं कि इकोनॉमी डाउन है, हम लोग पैसे कमा नहीं पा रहे, हम आपके टैक्स को पे नहीं कर पाएंगे, तो प्लीज टैक्स को कम कर दो। ठीक है, ये इन लोगों की डिमांड थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, इसी दौरान हम लोग देखते हैं कि जो पुअर फार्मर्स थे वो लोग भी इस मूवमेंट को ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पुअर फार्मर्स के साथ क्या होता है, ये भी ऑब्वियसली चाहेंगे कि टैक्स कम हो जाए, पर ये सिर्फ टैक्स को कम करने में इनका विश्वास नहीं था, ये चाहते थे कि जितना भी टैक्स इन्होंने पे नहीं करा उस टैक्स को गवर्नमेंट माफ कर दे। ठीक है, जैसे मान लो अगर इन्होंने कोई जमीन रेंट पे ले रखी है और 5-6 महीनों से वो रेंट पे नहीं कर पा रहे क्योंकि पैसे ही नहीं कमा पा रहे हैं, इकोनॉमी डाउन चल रही है, तो 5-6 महीने से अगर मान लो उन्होंने रेंट पे नहीं करा, कोई टैक्स पे नहीं करा, तो पुअर फार्मर्स चाहते हैं कि हमारे जो टैक्स है उनको माफ कर दिया जाए। ठीक है, गवर्नमेंट भूल ही जाए कि ऐसे कोई टैक्स है और साथ ही साथ जो फ्यूचर टैक्सेस है उनको रिड्यूस कर दिया जाए। ठीक है, पर इस मूवमेंट को ना, जो हमारे स्मॉल फार्मर्स हैं, इस मूवमेंट को जब ये स्टार्ट करते हैं कि हम लोग रेंट ही नहीं देंगे और टैक्सेस को कम करो, जब इस मूवमेंट को हमारे स्मॉल फार्मर्स स्टार्ट करते हैं तब कांग्रेस इनको ज्यादा सपोर्ट नहीं करती। और इसका कारण क्या है बेटा, कांग्रेस में ना बहुत सारे रिच लैंडलॉर्ड्स थे, बहुत अमीर जमींदार थे। अब जमींदार तो यही चाहेंगे कि उनको पुअर फार्मर से रेंट मिल जाए, है ना, तो कांग्रेस में जो भी रिच जमींदार थे उन्होंने सपोर्ट ही नहीं करा इस चीज को कि नहीं हमको तो रेंट चाहिए। ठीक है, तो अब हमारे जो पुअर फार्मर्स हैं उनके दिमाग में एक बात बैठ गई है कि कांग्रेस जो है वो अमीर फार्मर्स को, रिच फार्मर्स को सपोर्ट दे रही है पर हम जैसे गरीब फार्मर्स को सपोर्ट नहीं कर रही। ठीक है, तो इस वजह से हम देखते हैं कि अब पुअर फार्मर्स को लगने लगता है कि कांग्रेस ऐसे कैसे रिच लोगों को सपोर्ट कर रही है, शायद हम लोगों को उतना सपोर्ट नहीं कर रही। अब हम बात करते हैं बिजनेस क्लासेस की। ठीक है, तो जो बिजनेस क्लासेस थे मतलब इंडिया के ऐसे लोग जो बिजनेस कर रहे थे उस दौरान, उनकी बात करते हैं। तो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ना हमारे यहाँ पे बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा होता है। ठीक है, कैसे, मैं आपको बताती हूँ। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ब्रिटिशर्स की जो भी इंडस्ट्रीज थी वो स्लो डाउन हो जाती है क्योंकि ब्रिटिशर्स का सारा ध्यान वॉर पे चला जाता है, तो वो लोग अपने फैक्ट्रीज को संभाल नहीं पाते। तो उस दौरान ब्रिटिशर्स को जब भी कोई सामान बनवाना होता था, हथियार बनवाने होते थे, तो वो सब इंडिया में बहुत अच्छे से बहुत जल्दी जल्दी बनने लगे और इस दौरान हमारे यहाँ पे बिजनेस थोड़ा थोड़ा पिकअप होने लगता है। इसी दौरान हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं बिजनेस को इंडिया में सपोर्ट करने के लिए, जैसे कि इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस जो कि 1920 में बनाई गई थी। 1927 में हम लोग बनाते हैं फेडरेशन ऑफ द इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, जिसको FICCI भी कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग अलग अलग ग्रुप्स को भी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। इस दौरान हमारे कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं जो कि बहुत रिच हो जाते हैं, जैसे कि पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास और GD बिरला, ये सब बहुत रिच हो जाते हैं और ये लोग अपने पैसों से कांग्रेस को सपोर्ट भी देते हैं, है ना, कि अगर कांग्रेस के लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कर रहे हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कर रहे हैं, तो उनको पैसों की जरूरत पड़ेगी ये सब करने के लिए। तो हमारे बिजनेसमैन कहते हैं कि हम आपको पैसे देने के लिए तैयार हैं, हम आपके मूवमेंट में पैसे लगाने के लिए तैयार हैं। पर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जब फेलियर होता है, ठीक है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मैंने आपको बताया हमारी कोई बात ज्यादा सुनी नहीं जाती, गांधी जी ज्यादा खुश नहीं थे, तो सेकेंड राउंड टेबल जब अच्छे से नहीं हो पाता, कॉन्फ्रेंस जब अच्छे से नहीं हो पाता, यहाँ से जो हमारे बिजनेसमैन है उनका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे थोड़ा डाउन हो जाता है कि ऐसे तो
कोई फायदा नहीं है, ब्रिटिशर्स कानून बनाते रहेंगे जिससे हम लोग इंडिया में बिजनेस अच्छे से कर नहीं पाएंगे, ब्रिटिशर्स इंडिया में ही रहेंगे और हम लोग आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो जाता है तो हमारे जो बिजनेसमैन है उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन हो जाता है। ओके, अब देखो इस दौरान ना जैसे जो पुअर फार्मर्स थे, जैसे उनको फील होने लग गया था कि कांग्रेस हमारी इसलिए नहीं सुन रही क्योंकि हम गरीब हैं, वैसे ही जो छोटे छोटे वर्कर्स थे उनको फील होने लगा कि कांग्रेस शायद हमारी नहीं सुन रही है, कांग्रेस रिच इंडस्ट्रियलिस्ट की सुन रही है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो पैसे दे रहे हैं मूवमेंट में उनकी सुनी जा रही है पर वर्कर्स की नहीं सुनी जा रही। ठीक है, तो वर्कर्स इस दौरान डिमांड करते थे कि हमारी सैलरी बढ़ाओ, हमारे वर्किंग कंडीशंस को ठीक करो, पर वर्कर्स की इन सारी डिमांड्स को अगर हम सुने तो ये इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए तो नुकसान की बात है ना कि वो अचानक से वर्कर्स को ज़्यादा पैसे देने लग जाएं, कंपनी का जो मालिक है उसके लिए तो नुकसान की बात है कि अचानक से वर्कर्स को ज़्यादा पैसे देने होंगे। तो कांग्रेस इन सारी चीज़ों को ज़्यादा सपोर्ट नहीं देती और फिर धीरे धीरे वर्कर्स को भी लगता है कि शायद कांग्रेस हमारी साइड उतनी ले नहीं रही है। ठीक है, तो पर हाँ देन अगेन याद रखना फिर भी वर्कर्स अपनी तरफ से स्ट्राइक बार बार करते रहते हैं, गांधी जी का नाम लेते रहते हैं, गांधी जी जिस तरीके से स्ट्राइक करने को बोलते हैं, सत्याग्रह करने को बोलते हैं, वो सब वर्कर्स फॉलो करते हैं, पर उनके दिमाग में ये होता है कि कांग्रेस हमारी उस हद तक हेल्प नहीं कर रही। ओके, चलो अब विमेन का क्या रोल था ये हम जरा जल्दी से समझ लेते हैं। तो जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है ना बेटा, बहुत बड़े स्केल में हमारी जो विमेन हैं, जो औरतें थी इंडिया में, वो लोग पार्ट लेती हैं। अक्सर हमको लगता है कि शायद विमेन का इम्पोर्टेंट रोल नहीं था नेशनल फ्रीडम मूवमेंट्स में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बहुत लार्ज स्केल में हमारी विमेन ने पार्ट लिया था। इनफैक्ट जब गांधी जी सॉल्ट मार्च करने गए थे तब भी बहुत सारे विमेन सॉल्ट मार्च में इन्वॉल्व थी। ठीक है, और पहली बार ऐसा हो रहा था इंडिया में कि इतनी सारी विमेन घर के बाहर निकल रही थी। इंडिया में उस टाइम पे तो आपको आपको खुद भी पता है कि विमेन को, लड़कियों को घर के बाहर नहीं जाने दिया जाता था, है ना, घर के अंदर ही रखा जाता था कि आप घर को संभालो, घर का काम करो। पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में विमेन ने बहुत ज्यादा पार्ट लिया। देखो इसमें आपको दिख रहा होगा इस तरीके से विमेन पार्ट लेती थी, पूरे सड़कों में ये विमेन ही है। ठीक है, और मदर्स भी हैं, उनके पास छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी वो साथ में लेके आ गई कि हम लोग चलते हैं मूवमेंट में पार्ट लेते हैं। तो विमेन इतने लार्ज स्केल में उस दौरान पार्ट लिया करती थी। मैनी वेंट टू जेल, बहुत सारे लोग जेल भी गए। और पता है गांधी जी ऐसा कहा भी करते थे कि जो विमेन है ये उनका फर्ज है कि वो अपने कंट्री के लिए कुछ करें। ठीक है, तो गांधी जी ऐसा कहते थे तो इसलिए बहुत सारी विमेन पार्ट लिया करती थी नेशनल मूवमेंट में। पर देखो ये सब हमें सुन के लग रहा होगा कि विमेन तो उस टाइम पे बहुत ही मतलब मॉडर्न थी, उनको शायद बहुत सारे हक दिए होंगे, बहुत पावरफुल थी, ऐसा नहीं था। ठीक है, मूवमेंट में पार्ट ले रही थी विमेन, पर ऑन दी अदर हैंड गांधी जी ये भी कहते थे, कांग्रेस के लोग ये भी कहते थे कि विमेन का फर्ज क्या है कि वो अच्छी मदर्स बने, वो अपने घर को संभालें, किचन को संभालें, ये भी कहा जाता था। एक तरफ विमेन से कहा जाता था पार्ट लो, दूसरी तरफ कहा जाता था कि आप लोग घर के अंदर रहो, अपने घर को संभालो, ये भी कहा जाता था। ठीक है, और कांग्रेस देखो ऊपर ऊपर से तो हमें लग रहा है कि कांग्रेस सपोर्ट कर रही है विमेन को, विमेन से कह रही है कि पार्ट लो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, पर ये सब कुछ हद तक एक दिखावा था। अगर हम उस टाइम के कांग्रेस को देखें तो लड़कियां कांग्रेस में बहुत बड़ी बड़ी पोजिशन में नहीं थी। ठीक है, तो कांग्रेस एक तरफ एक सिम्बॉलिक प्रेजेंस दिखा रही है कि हाँ हमने विमेन को भी इन्वॉल्व कर रखा है, पर कांग्रेस में किसी भी बहुत बड़े पोजीशन में ये लोग विमेन को नहीं रखते थे। ठीक है, तो ये कांग्रेस का कांग्रेस के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे विमेन, वर्कर्स, स्मॉल फार्मर्स, रिच फार्मर्स ये सब पार्ट ले रहे थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। पर बेटा हमारे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ना कुछ कमी रह गई। ठीक है, वरना हमें आज़ादी तो देखो 1947 में जाके मिलती है ना, तो ऑब्वियस सी बात है सिविल डिसोबीडियंस में कुछ तो कमी रह गई होगी जिस वजह से हमें इस मूवमेंट से आज़ादी नहीं मिली। ठीक है, तो हम जल्दी से देखते हैं कि क्या कमी रह गई। हमने सारे इंडिया को इन्वॉल्व नहीं करा, एक गलती ये थी। तो आपको पता है उस टाइम पर हम लोग कास्ट सिस्टम फॉलो करते थे, है ना, हम लोग अपर कास्ट लोअर कास्ट ऐसे भेदभाव करके रखते थे। लोअर कास्ट में भी कुछ लोगों को अनटचेबल्स और दलित्स ये सब कहा जाता था। तो दलित्स को ऐसा फील होने लग जाता है कि हमको इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा मूवमेंट्स में।
ठीक है, और इसका एक कारण भी है, उस टाइम पे अगेन जैसे कांग्रेस में बहुत सारे रिच लोग थे, तो कांग्रेस में बहुत सारे अपर कास्ट के भी लोग थे, ठीक है, तो कांग्रेस को ना एक डर लगा रहता है कि अगर हम लोग अनटचेबल्स को, लोअर कास्ट को सपोर्ट करेंगे तो हमारे पार्टी के अपर कास्ट के लोग बुरा मान जाएंगे। जैसे उनको ये डर था कि स्मॉल फार्मर्स को सपोर्ट करेंगे तो हमारे पार्टी के जो रिच फार्मर्स हैं वो बुरा मान जाएंगे, वैसे ही इनको ये डर था कि लोअर कास्ट के लोगों को सपोर्ट करा तो हमारे पार्टी के जो अपर कास्ट के लोग हैं वो बुरा मान जाएंगे। तो इस वजह से कांग्रेस बहुत टाइम तक सपोर्ट ही नहीं करती है लोअर कास्ट के लोगों को, अनटचेबल्स को। कुछ टाइम के बाद क्या होता है, बी आर अम्बेडकर और बाकी सारे लोग बहुत सारे मूवमेंट्स करने लगते हैं और लोअर कास्ट के लोग अपने वॉइस को रेज करने लगते हैं कि नहीं ये सब गलत है, भेदभाव करना बंद करो, हमें भी हक दो। अब इस दौरान गांधी जी भी अब इनको सपोर्ट दिखाने लगते हैं। गांधी जी इस दौरान बोलते हैं अनटचेबल से कि आप अपने आप को दलित क्यों बुलाते हो, आप अपने आप को हरिजन बुलाओ। हरिजन का मतलब क्या, हरि और जन, हरि मतलब चिल्ड्रन ऑफ गॉड, ठीक है, मतलब भगवान के ही बच्चे हो, आप भी नॉर्मल हो, आप सोसाइटी का ही पार्ट हो। तो ये सारी चीजें गांधी जी बताते हैं इनको, गांधी जी इनको सपोर्ट करते हैं कि चलो हम लोग सत्याग्रह करते हैं, हम लोग टेम्पल्स में, जैसे अनटचेबल्स को टेम्पल के अंदर जाना अलाउ नहीं किया जाता था, गांव में अगर कोई वेल है जहां से सारे लोग पानी लेते हैं तो वहां से उस वेल को छूना अलाउड नहीं होता था, स्कूल जाना अलाउ नहीं किया जाता था। तो गांधी जी इनसे क्या कहते हैं कि हम लोग सत्याग्रह करते हैं और हम ये सारी चीजें करना स्टार्ट कर देंगे। तो एक सत्याग्रह स्टार्ट किया जाता है, गांधी जी टेम्पल्स के अंदर ले जाते हैं लोगों को, पब्लिक वेल के पास ले जाते हैं, स्कूल्स के अंदर ले जाते हैं, इस तरीके से सपोर्ट दिखाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उस टाइम पे जो लोग टॉयलेट्स को क्लीन करते थे ना बेटा, उनको भंगी कहा जाता था एंड लोग इनको रिस्पेक्ट नहीं देते थे। तो गांधी जी ने कहा ये बहुत ज्यादा गलत है, और ये चीज दिखाने के लिए गांधी जी ने क्या करा, गांधी जी ने खुद टॉयलेट्स को साफ करना स्टार्ट कर दिया। और गांधी जी ने कहा कि जस्ट बिकॉज हम कोई काम कर रहे हैं उसके बेसिस पे हम किसी को अपर कास्ट या लोअर कास्ट कहना हमें बंद कर देना चाहिए। तो गांधी जी ने खुद टॉयलेट्स को साफ करना स्टार्ट करा ये दिखाने के लिए कि ये काम हम सारे लोग खुद कर सकते हैं, ठीक है। पर फिर भी कहीं ना कहीं जो लोअर कास्ट के लोग थे उनके दिमाग में ये चीज़ होती है कि हमें कांग्रेस से ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा। ये लोग मांग भी करना स्टार्ट करते हैं कि हमें रिजर्वेशन चाहिए, हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। ये सारी चीज़ें लोअर कास्ट के लोग डिमांड करना स्टार्ट करते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट समझते हो आप लोग, सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब रिजर्वेशन तो है ही, मतलब मान लो अगर 3 सीट है किसी लीडर के लिए, 3 सीट है, और अगर मैं कह दूं कि इसमें से 1 सीट में सिर्फ कोई लोअर कास्ट का ही इंसान जा सकता है तो ये रिजर्वेशन हो गया, ठीक है। अब इसमें अगर मैं सेपरेट इलेक्टोरेट लगाऊं, सेपरेट इलेक्टोरेट का क्या मतलब है, जो लोअर कास्ट के लोग हैं सिर्फ वही लोग वोट करके इस एक आदमी को चुनेंगे, बाकी लोग वोट नहीं कर सकते, सिर्फ उसी कास्ट के लोग वोट में पार्ट लेंगे, इलेक्शन में पार्ट लेंगे, तो इसे सेपरेट इलेक्टोरेट कहते हैं। तो ये लोग सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करते हैं, ठीक है। पर सेपरेट इलेक्टोरेट ये सब हो नहीं पाता है, क्यों नहीं हो पाता है वो सारी कहानी आपको मैं धीरे धीरे करके बताऊंगी, सब कुछ साथ में नहीं बता रही, ठीक है। पर हाँ ये सारी चीज़ें हो नहीं पाती हैं, धीरे धीरे इनको फील होने लग जाता है कि कांग्रेस हमको उतना सपोर्ट नहीं कर रही है, ठीक है। चलो काफ़ी सारे टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया है, अब हम क्या करेंगे, जल्दी से चेक कर लेते हैं कि हम लोग कितना ध्यान से, आप लोग कितना ध्यान से सुन रहे थे क्लास में। तो क्विज स्टार्ट करते हैं, आज जो पढ़ा है उसी के ऊपर बेस्ड है, स्टार्ट करते हैं क्विज, रेडी हो जाओ सारे बच्चे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डिड गांधी जी स्टार्ट हिज सॉल्ट मार्च, गांधी जी ने सॉल्ट मार्च कहां से स्टार्ट करा था। ऑप्शन ए साबरमती आश्रम, ऑप्शन बी डांडी, ऑप्शन सी चंपारण, ऑप्शन डी नन ऑफ दीस, ठीक है। सॉल्ट मार्च गांधी जी ने कहां से स्टार्ट करा था ये आप बच्चों को बताना है। आप लोग क्या करो, कॉमेंट सेक्शन में जैसे आपको जो भी आंसर लग रहा है तो लिखो क्विज क्वेश्चन वन और आंसर डाल दो, ऑप्शन ए बी सी डी या फिर ऑप्शन में भी डांडी चंपारण साबरमती आश्रम, जो भी आपको लग रहा है कमेंट सेक्शन में बता दो, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्ड ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इनमें से कौन सी चीज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हुई। ऑप्शन ए हमने फॉरेन कपड़ों को बॉयकॉट करा, ऑप्शन बी लिकर शॉप को पिकेट करा, ऑप्शन सी जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने रिजाइन करना स्टार्ट कर दिया, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीस। अगेन कमेंट कर दो बेटा सब कुछ,
ठीक है, कॉमेंट सेक्शन में लिखो क्विज क्वेश्चन टू और आंसर बता दो। मैं क्लास के बाद आप बच्चों के सारे कॉमेंट्स को देखती हूँ, ठीक है, मैं सब कुछ देखती हूँ कि आप लोग आंसर बता रहे हो। क्लास बहुत अच्छी लगी, बहुत ईजी तरीके से समझ आ गया, तो आप लोग जो कुछ भी लिखते हो मुझे दिखता है, मैं देखती हूँ, ठीक है, तो आप लोग आंसर्स डाल दो। चलो तो अब डिस्कस कर लेते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, गांधी जी ने कहाँ से शुरुआत करी थी अपने सॉल्ट मार्च की? आश्रम से, साबरमती आश्रम से शुरुआत करी और डांडी तक वो गए, शुरुआत यहाँ से करी और जा कहाँ रहे थे? डांडी तक जा रहे थे, ठीक है। चंपारण तो यहाँ पे सत्याग्रह हुआ था पहली बार, तो ये तो गलत है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हम लोगों ने क्या क्या करा? ऑप्शन ए, हमने फॉरेन कपड़ों को बॉयकॉट करा, हमने कहा कि हमें ब्रिटिशर्स के कपड़े चाहिए ही नहीं। नेक्स्ट, लिकर शॉप को पिकेट करना स्टार्ट करा, लिकर शॉप के एंट्रेंस को हमने ब्लॉक करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट, जो विलेज ऑफिशियल्स थे, ठीक है, उन्होंने रिजाइन करना स्टार्ट कर दिया। रिजाइन करना मतलब अपने काम को छोड़ना स्टार्ट कर दिया कि हमें ब्रिटिशर्स के नीचे काम नहीं करना है। तीनों ऑप्शंस राइट हैं, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। जिन भी बच्चों के राइट आंसर्स हैं, वेरी गुड। गलतियां हो रही हैं तो कोई बात नहीं, अब तो आ गया समझ, ठीक है, तो अब इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, ठीक है। चलो तो आज हम लोग बेटा इतना ही करेंगे। हमने सॉल्ट मार्च समझ लिया है, लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस ये भी हमने समझ लिया है। अब बस थोड़ा सा और आप बच्चों का चैप्टर रह रहा है, फिर आपका पूरा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा फाइनली, ठीक है। तो होमवर्क देख लो सारे बच्चे, होमवर्क क्या है? व्हाट वर द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हमारी तरफ से कमी कहाँ रह गई? तो इसमें आप मुझे ये सब बता सकते हो कि मैम जो पुअर फार्मर्स थे उनको लगा कि हमारी कांग्रेस नहीं सुन रहे हैं, ठीक है, वर्कर्स को लगा कि हमारी बात ज़्यादा सुनी नहीं जा रही है, हम लोगों ने लोअर कास्ट के लोगों को ऐसा फील कराया कि वो लोग इस मूवमेंट का पार्ट नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हमारी तरफ से ये कमी रह गई, इस वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट उतना बढ़िया हो नहीं पाया जितना हमने सोचा था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होमवर्क में लिखना, और होमवर्क जब लिख लो तो कमेंट सेक्शन में टाइप करके अपने होमवर्क को शॉर्ट में बता देना, मैं देख लूँगी कि कितने बच्चों को होमवर्क अच्छे से समझ आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर भी हमारा सुपर इम्पॉर्टेंट होने वाला है, सारे बच्चे पहुंच जाना। आपको पता है ना टाइमिंग्स, वैसे थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे 6 PM हम लोग इसी चैनल पे रोज मिलते हैं। और जितने भी बच्चे हैं क्लास को लाइक ज़रूर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको पता लगता रहे जब भी हम लोग आपके लिए क्लासेस लेके आए। और अपने सारे क्लासमेट्स को बता दो कि यहाँ पे टर्म 2 की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। चलो, सो दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।